चक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान, आसन ले ओ प्रेम से धरो तुम्हारो ध्यान। राधे मेरे स्वामी, मैं राधे की दास, जनन जनन मोहि दीजियो श्री वृंदावन धाम। बरसाने की राधिका नंद गाँव के श्याम, उनके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे सहित श्री किशोरी सदा ही रखियो मेरो ध्यान, हे राधे किशोरी मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास के 29वें दिन की व्रत कथा सुनाऊंगी, अर्थात आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास के 29वें दिन का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। सभी पुण्य फलों को देने वाला यह महात्म्य जो कोई भी मनुष्य सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। कहते हैं मार्गशीर्ष मास का महात्म्य जो कोई मनुष्य सुनता है वह बहुत ही बड़भागी होता है। अगर इस महात्म्य को कुंवारी लड़कियां सुने तो उन्हें अच्छा घरवार मिलता है, सुहागिने सुने तो उनका सुहाग अखंड और अक्षर रहता है। विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को भी यह महात्म्य सुनना चाहिए, इससे उन्हें विद्या का फल मिलता है। बुजुर्ग व्यक्ति अगर मार्गशीर्ष मास के इस महात्म्य को सुनता है तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए कुंवारी सुने घरवे पाए पर्णी पुत्र खिलाए, सुहागिने सुने अखंड सुहाग पाए, बुजुर्ग सुने बैकुंठ का वासा पाए, ऐसा इस महात्म्य को सुनने के लिए कहा जाता है। आज मैं आपको इस महात्म्य में एक सच्ची कथा सुनाने जा रही हूं। एक बार की बात है, एक वेश्या के घर साधु महात्मा की एक टोली चली गई। उस वेश्या का नाम श्री वाल्मुखी जी था। वेश्या मनीमन सोचने लगी कि आज मेरे किस सौभाग्य का उदय हुआ है कि मेरे घर पर साधु महात्माओं की टोली आई है। तब सभी साधु महात्मा वेश्या के घर के सामने एक पीपल के पेड़ के चबूतरे पर आसन लगा करके बैठ गए। धूनी जलादी और छत्ता गाड़ कर ठाकुर जी का सिंहासन लगा करके वहां बैठ गए। उन साधुओं में कोई चंदन घिस रहा था, कोई पूजा पात्र के बर्तन मलने लगा, कोई अपने तिलक छापा लगाने लगा। वेश्या ने सोचा कि मुझे इनका आतिथ्य करना चाहिए। वेश्या मनी मन सोचने लगी कि मुझे इनका आतिथ्य सत्कार करना चाहिए, परंतु ये साधु महात्मा मेरा अन्न ग्रहण करेंगे या नहीं। तब वह घर के भीतर गई और एक चांदी की थाली में बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर आई। फिर वह घर से बाहर आई और पीपल के पेड़ के पास जाकर दूरी पर खड़ी हो गई। तब उन साधुओं की टोली में से एक साधु ने उस वेश्या से पूछा कि मैया तू कौन है। तब वह वेश्या बोली कि आप सब कुछ मुझसे पूछ लीजिए, लेकिन मेरा परिचय मत पूछिए। और उसने अपना मुंह नीचे करके साधु महात्माओं से प्रार्थना करने लगी। तब एक साधु ने कहा कि मैया हम साधुओं से भय की क्या बात है, जो भी तुम्हारे मन में है वो सच सच बताओ। तब वह वेश्या बोली कि हे साधु महात्मा जी, मैं बड़ी ही नीच हूँ, मेरे पापों का कोई हिसाब नहीं है, मुझे देखकर नरक के जीव भी मुझसे घृणा करेंगे, मेरा पाप ही कुछ ऐसा है
मैं अपने शरीर को बेचकर अपनी जीविका चलाती हूँ। और ऐसा कहकर वह वेश्या रोने लगी। तभी एक साधु ने उस वेश्या से कहा, अरे नीच दुष्टा, तू जा और अपने सोने चांदी और हीरे मोतियों के थाल को यहां से ले जा। वेश्या बोली, हे महाराज, मेरी जैसी महापापनी से नरक या नारकीय जीवन घृणा कर सकता है, किंतु गंगा, गोदावरी और पवित्र नदियां तो घृणा नहीं करती। हे साधु महात्मा, मैं नित्य गोदावरी की पवित्र धारा में डुबकी लगाती हूँ। जब गोदावरी मैया ने कभी मेरा तिरस्कार नहीं किया। मैंने सुना है कि साधु महात्मा गंगा, गोदावरी और पवित्र नदियों से भी अधिक पवित्र होते हैं। अगर आप मुझसे घृणा करेंगे तो मुझे जैसे पतितों का उद्धार कौन करेगा? हे मेरा दुर्भाग्य, इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? ऐसा कहकर वह सोने हीरे मोतियों से भरे हुए थाल को वापस ले जाने लगी। तभी उन साधुओं में से एक बड़ा ही वृद्ध और बड़ा ही समझदार साधु था। उसने वेश्या से कहा, मैया, तुम इन सोने चांदी और मोतियों से श्री रंगनाथ जी के लिए मुकुट बनवा दो। तब वह वेश्या बोली कि मेरी भेंट को आप जैसे संत स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो फिर भगवान रंगनाथ जी मेरी भेंट को कैसे स्वीकार करेंगे? तब वह वृद्ध और दयालु साधु बोला कि हे मैया, तेरा उपहार हम चाहे ना लें, लेकिन भगवान रंगनाथ जी तेरे बनाए हुए मुकुट को जरूर ग्रहण करेंगे। वृद्ध साधु ने उस वेश्या को बहुत अच्छे से समझाया। तब उस वेश्या ने हीरे मोती और सोने चांदियों से भरे हुए उस थाल को एक सुनार को दिया और उस सुनार से भगवान रंगनाथ जी के लिए रत्न जड़ित मुकुट बनवाया। जब वह मुकुट बनकर तैयार हो गया तो वह वेश्या भगवान रंगनाथ जी के मंदिर में पहुंची और मंदिर के बाहर खड़ी हो गई और वह पुजारी जी से बोली कि हे पुजारी जी, मैं अपवित्र हूँ, मैं मंदिर में नहीं आ सकती, आप यह मुकुट भगवान को चढ़ा दीजिए। उस पुजारी को एक रात्रि पहले ही भगवान रंगनाथ जी ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा था कि अरे पुजारी, मेरे लिए एक गणी का रत्न जड़ित मुकुट बनवा कर के लाएगी, मैं वह मुकुट उसी के हाथ से पहनूंगा, तुम वह मुकुट उसके हाथ से ही मुझे पहनाना। उस समय मंदिर में बहुत सारे भक्तों की भीड़ जमा थी। सभी भक्त कहने लगे कि यह तो वेश्या है, इसे मंदिर में अगर आने दिया गया तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा। उस पुजारी ने अपने स्वप्न वाली बात वहां खड़े सभी भक्तों को बताई, लेकिन सभी भक्तों ने पुजारी की बात पर विश्वास नहीं किया। तब पुजारी ने उस वेश्या से मुकुट लिया और मुकुट लेकर वे भगवान रंगनाथ को पहनाने के लिए गए। लेकिन जैसे ही वे भगवान रंगनाथ को रत्न जड़ित मुकुट पहनाने लगे तो सिंहासन अचानक ऊपर हो गया, इतना ऊपर हो गया कि पुजारी का हाथ भगवान रंगनाथ के मस्तक तक न पहुंच पाया। तब उसने वह मुकुट वहीं रख दिया। जितने भी वहां गणमान्य लोग मंदिर परिसर में मौजूद थे, सभी ने उस मुकुट को भगवान रंगनाथ जी को पहनाने का प्रयास किया, लेकिन हर बार भगवान रंगनाथ जी का सिंहासन ऊंचा हो जाता। तब पुजारी ने उस गणिका से कहा कि हे मैया, अब तुम ही भगवान रंगनाथ जी को यह मुकुट पहनाओगी। लेकिन वेश्या ने मंदिर में आने से इनकार कर दिया कि पुजारी जी, मैं बड़ी अपवित्र हूँ। तब पुजारी ने उस वेश्या को भी अपने रात्रि वाले स्वप्न का पूरा रहस्य सुनाया। तब वेश्या मंदिर में आई। मंदिर प्रांगण में आने के बाद उसने भगवान श्री रंगनाथ जी को मुकुट पहनाना चाहा। जैसे ही उसने भगवान रंगनाथ जी को मुकुट पहनाना चाहा तो मूर्ति पूर्ववत हो गई। सभी खड़े लोग वहां यह आश्चर्य देख रहे थे।
मंदिर के प्रांगण में भगवान की इस असीम कृपा का अनुभव वहां खड़े सभी लोगों ने किया। तभी वहां एक महान आश्चर्य और हुआ। उस गणिका ने उसी समय अपना शरीर छोड़ दिया। तभी उसे लेने के लिए एक देव विमान आया। वह वेश्या अपने पुराने शरीर को छोड़कर दिव्य शरीर धारण करके उस देव विमान में बैठकर अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह आज मैंने आपको एक सच्ची घटना सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको इस महात्म्य में जरूर पसंद आएगी। संसार में काशी कांची आदि मुक्तिपुरी है, परंतु उनमें एक मथुरा ही धन्य है, जो कि मथुरा में जन्म ग्रहणा से, मोजी व्रत से, मुक्ति से, दान से मनुष्य को चार प्रकार की मुक्ति प्रदान करती है। अन्यत्र जो गति सैकड़ों मन्वंतर पर्यांत योगाभ्यास करने से नहीं मिलती, वह गति मथुरा में मेरे प्रसाद से, खेलकूद से ही मिल जाती है। मथुरा में जो मनुष्य रहता है उन्हें पाप का भय नहीं रहता, उन्हें यमराज का भय नहीं रहता, उन्हें गर्भवास का भय नहीं रहता, उन्हें मृत्यु का डर नहीं होता, उन्हें मृत्यु के समय की पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती, उन्हें यम मार्ग के दुख नहीं झेलने पड़ते जो मनुष्य मथुरा में निवास करते हैं। हे ब्राह्मण, मथुरा में जो पुण्य होता है उस पुण्य का फल तुम सुनो। जो मनुष्य मथुरा में वास करते हैं और मथुरा में ही मर जाते हैं, वे कीट पतंग भी अगर होते हैं तो मेरे चतुर्भुज स्वरूप को ही पाते हैं। मथुरा नगरी में अगर कोई वृक्ष अपने मूल भाग से गिर जाते हैं तो वे वृक्ष भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य बोल नहीं सकता, जड़ मूर्ख है, अंधा है, बहरा है तथा तप और नियम से रहित है, जो काल से मरे हैं, वे लोग भी मेरे ही लोक को पाते हैं। सर्प के डसने से मृत मनुष्य, पशु के प्रहार से मृत मनुष्य, अग्नि से जलने वाले लोग, जल में डूबने वाले लोग और अपमृत्यु से मथुरा में मृत हो गए हैं, वे लोग मेरे ही लोक को पाते हैं। जो मनुष्य मथुरा नगरी में रहकर अपना जीवन बिताते हैं, उनका जीवन मैं सरल कर देता हूँ, उनके घर में धन धान्य के भंडार भर देता हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ और ये सत्य है कि मथुरा के समान कहीं दूसरा स्थान मुझे अभिष्ट फल प्रदान नहीं करता। जो मथुरा कामनाओं की इच्छा करने वालों की त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देती है, मुक्ति को देती है, भक्ति को चाहने वाले को भक्ति देती है, ऐसी मथुरा को कौन बुद्धिमान आश्रय नहीं कहेगा। ऐसी मथुरा का मार्गशीर्ष मास में भक्ति भार से विधि पूर्वक पुष्कर तीर्थ का सेवन करना चाहिए। उस जगह ब्रह्म कुंड नाम से प्रसिद्ध बड़ा कुंड है, विष्णु कुंड नाम से प्रसिद्ध विष्णु का मध्यम कुंड है और रुद्र देवत्त नाम से प्रसिद्ध शिव का कनिष्ठ कुंड है। हे बुद्धिमान, इन कुंडों को जानिए। इन कुंडों में विधि पूर्वक स्नान, दान, श्राद्ध और हे सुत, मुझे प्रीति कर बड़ी पूजा करनी चाहिए। हे पुत्र, मार्गशीर्ष मास में पूर्णमासी सबसे अधिक प्रिय है। उस पूर्णमासी के दिन जो मनुष्य पुण्य करता है तो वह मेरी प्रीति को प्राप्त करता है। हे पुत्र, पूर्णिमा के दिन गोदान, अन्नदान, स्वर्णदान, पृथ्वीदान, तिल दान करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन ग्रह दान करना चाहिए। उस दिन जो कुछ भी, जो कोई भी दान करता है वह उसका अक्षय फल प्राप्त करता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। व्रत की पूर्ति के लिए पूर्णिमा का उत्सव मनाना चाहिए। पूर्णिमा के महात्म्य को सुनना चाहिए और पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनना चाहिए। हे पुत्र, जैसे मार्गशीर्ष मास में मुझे मथुरा नगरी प्रिय है, वैसे ही तीर्थराज प्रयाग आदि प्रिय नहीं है। बुद्धिमानों को चाहिए कि मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा पुष्कर तीर्थ में मथुरा में स्नान दान करके समय व्यतीत करें। जिस किसी भी स्थान में विधि पूर्वक पूर्णिमा को स्नान दान उत्सव आदि करता है और इसको भक्ति भाव से पूर्ण करता है, वह मनुष्य मुझे अत्यंत ही प्रिय है।
जो मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन स्नान दान पूजा नहीं करते वे 60,000 वर्ष तक रौरव नरक की यातना को भोगते हैं। इसलिए विद्वान लोग सब प्रकार से पूर्णिमा का सम्मान करते हैं, पूर्णिमा को स्नान करते हैं, व्रत करते हैं। यदि पूर्णिमा मार्गशीर्ष मास की हो तो वह अनंत फल को देने वाली होती है। हे वस, जिस प्रकार मैंने मार्गशीर्ष मास को अपना प्रिय मास बतलाया है, उसी मार्गशीर्ष मास में जो भक्ति से स्नान दान व्रत आदि करते हैं, उनको मैं समस्त पुण्य फल प्रदान करता हूँ। 10,000 तीर्थों में स्नान दान करने से जो पुण्य होता है, वही मार्गशीर्ष मास में स्नान और मेरे महात्म्य को सुनने से ही मिल जाता है। मार्गशीर्ष मास में जो मनुष्य स्नान दान और व्रत करता है तो पुत्रहीन मनुष्य पुत्र पाता है, निर्धन को धन मिलता है, विद्यार्थी को विद्या मिलती है, कुंवारी कन्याओं को सुंदर मन चाहा जीवन साथी मिलता है और सुहागिन स्त्रियों का सुहाग अक्षय रहता है। ब्राह्मण ब्रह्म वचर्षवी क्षत्रिय विजयी वैश्य निधिपति होता है और शूद्र पातक से मुक्त हो जाता है। हे मानद, जो तीनों लोकों में दुर्लभ दुष्ट प्राय वस्तु है, उस सबको मार्गशीर्ष मास के सेवन से मनुष्य प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। हे सुत, यद्यपि जो इन कामनाओं में आसक्त मनुष्य है, हे चतुर्वक्त, वे अंत में तृप्त हो जाते हैं। और हे महाभुज, पुनः कामनाओं के लिए मार्गशीर्ष मास का सेवन करें। हे पुत्र, मुझे वश में करने वाली सुंदर श्रेष्ठ भक्ति अत्यंत दुर्लभ होती है। वह भक्ति मार्गशीर्ष मास में करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। हे चतुर्मुख, मार्गशीर्ष मास मुझे अत्यंत प्रिय है और सर्वदा प्रिय रहेगी। इसलिए इस मास के सेवन से और मेरे प्रसाद से समस्त वस्तु को वह मनुष्य प्राप्त कर लेता है जो मार्गशीर्ष मास में स्नान दान और पुण्य करता है और मेरे महात्म्य को सुनता है। आज मैं आपको इस महात्म्य में एक गाथा सुनाने जा रही हूँ। यह एक सच्ची गाथा है। एक बार एक राजा बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह सभी तरह के व्रत उपवास और दान पुण्य किया करता था। वह साधु संतों की खूब सेवा करता था। एक बार उसके महल में बहुत सारे साधु संत आए। राजा ने उनकी प्रेम भाव से खूब सेवा करी। बहुत दिनों तक साधु महल में ऐश्वर्य भोगने लगे। जब बहुत दिन हो गए तो उन साधु संतों की टोली ने राजा से वहां से जाने की आज्ञा मांगी, लेकिन राजा का साधु संतों के साथ सत्संग होने के कारण बड़ा ही प्रेम हो गया था। वह साधु संतों को वहां से भेजने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। रोज कोई न कोई बहाना बनाकर वह साधु संतों को रोकता रहा। राजा साधु संतों से कहता कि आज आज रुक जाइए, कल चले जाइएगा। इस प्रकार एक वर्ष और कुछ महीने बीत गए। तब एक दिन उन संतों ने निश्चय किया कि कल तो हम अवश्य ही चले जाएंगे, राजा के रोकने पर भी हम नहीं रुकेंगे। जब राजा को यह पता लगा कि कल साधु संत उसे छोड़कर चले जाएंगे तो उसका शरीर उससे छूटने लगा। वह व्याकुल हो गया, उसकी नींद और भूख सब गायब हो गई। तब रानी ने राजा से पूछा कि आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं। तब राजा ने कहा कि मैं संत वियोग से जीवित न रह पाऊंगा। तब रानी ने उन संतों को रोकने के लिए अपने ही पुत्र को विष दे दिया और प्रातःकाल होते ही वह जोर जोर से रोने लगी। अन्य दासियां भी रोने लगी। राजपुत्र के मरने की बात पूरे महल में पूरे राज्य में फैल गई। राजमहल में कोलाहल मच गया। जब संतों ने सुना कि राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई है तो वे उसे देखने के लिए महल में आए। संतों ने देखा कि राजपुत्र का शरीर विष के कारण नीला पड़ गया है, जो इस बात का साक्षी था कि बालक को विष दिया गया है। साधु संतों ने अपने तपोबल से पता लगा लिया कि रानी ने खुद ही अपने पुत्र को जहर दिया है। तब साधु संतों ने रानी से कहा कि हे रानी, आपने यह क्या किया, आपने अपने ही पुत्र को विष दे दिया।
तब रानी ने साधु संतों से कहा कि आपने कल कहा था कि आप आज तो अवश्य ही चले जाएंगे। हे देव ऋषि, हमारे नेत्रों को आपके दर्शन की अभिलाषा है। आपको रोकने के लिए मुझे और कोई उपाय सूझ ही नहीं रहा था। आपके वियोग से मेरे पति की भी मृत्यु हो जाती। जब साधु संतों ने राजा और रानी के ऐसे अद्भुत भक्ति को देखा तो वे सभी साधु संत भी रोने लगे। उनका कंठ गदगद हो गया। उन्हें भक्ति की इस विलक्षण रीति से भारी सुख हुआ। इसके बाद महात्मा जी ने भगवान के गुणों का वर्णन किया और उस बालक को जीवित कर दिया और उन्हें वह स्थान अत्यंत प्रिय लगने लगा। तब साधु संतों ने अपने साथियों से कहा कि जो जाना चाहे वो यहां से जा सकता है, मगर मैं यही इसी राज्य में रहूंगा। तब राजा ने उन साधु संतों के लिए एक आश्रम बनवाया और वे सभी साधु संत उसी राज्य में उसी आश्रम में रहने लगे और भगवान की भक्ति करने लगे। आज मैं आपको इस महात्म्य में मार्गशीर्ष मास की एक पौराणिक कहानी सुनाऊंगी। मार्गशीर्ष मास का व्रत के फल देने से मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। इस कहानी को सुनने से आपको पता चलेगा। इस महात्म्य में आज आपको मैं एक पौराणिक कथा सुनाऊंगी कि मार्गशीर्ष मास के व्रत का फल देने से कैसे किसी की मुक्ति हो सकती है। आइए अब हम यह पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार एक व्यक्ति के पास एक भैंसा था। वह व्यक्ति उस भैंसे से बहुत काम करवाता लेकिन उसे खाने को बहुत कम देता था, जिससे एक दिन वह भैंसा घस खाकर जमीन पर गिर पड़ा और मृत्यु के लिए छटपटाने लगा। लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हो पा रही थी, वह बहुत तड़प रहा था। उस भैंसे का मालिक उसे वहीं छोड़कर अपने घर चला गया। वहां बाजार में बहुत लोग उस भैंसे के पास आकर एकत्र हो गए। बहुत से दयालु लोगों ने उसके लिए खूब दान पुण्य बोले। उनमें से एक व्यक्ति बोला कि हे भगवान, अगर इसके प्राण निकल जाए तो मैं 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊं। और अन्य कुछ व्यक्ति उसके लिए अनेक तरह के दान बोलने लगे। फिर एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने एक व्रत का फल उसे देने की बात कही। इस तरह कोई न कोई व्यक्ति उसके लिए कुछ न कुछ संकल्प देकर छोड़ रहा था, लेकिन उस भैंसे के प्राण ही नहीं निकल रहे थे। बाजार में बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। तभी वहां एक वेश्या आई। उसने पूछा कि ये भीड़ क्यों हो रही है। तब वह वेश्या उस भीड़ को चीरती हुई भैंसे के पास आकर खड़ी हो गई। जब उसने देखा कि एक भैंसा मृत्यु के लिए तड़प रहा है तो उसने अपने व्रत का संकल्प करके उस भैंसे के लिए छोड़ दिया। उसके ऐसा करते ही उसी क्षण उस भैंसे के प्राण निकल गए और अगले जन्म में वह मनुष्य योनि में एक ब्राह्मण के घर पैदा हुआ। जब वह लड़का 12 बरस का हुआ तो उसे अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण हो आया। वह अपने घर से उस वेश्या को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। तब एक दिन उस ब्राह्मण बालक को वह वेश्या मिल गई। तब वह ब्राह्मण बालक उस वेश्या को प्रणाम करके बोला कि हे माते, मैं आपको कुछ बातों का स्मरण कराने आया हूँ। पूर्व जन्म में जब मैं भैंसे की योनि में था और मृत्यु के लिए छटपटा रहा था, तब आपने मुझे अपना पुण्य फल संकल्प करके दिया, जिससे मेरा उद्धार हुआ और मैं इस जन्म में एक ब्राह्मण के घर बालक के रूप में पैदा हुआ। हे माते, कृपा करके आप मुझे बताइए कि आपने कौन सा व्रत, कौन सा तीर्थ किया था, कौन से देवता की पूजा करी थी, कौन से व्रत का पुण्य फल मुझे दिया जिससे कि मेरी मुक्ति हुई। मैं जानने के लिए बड़ा उत्सुक हूँ। तब वह वेश्या बोली कि हे पुत्र, मैंने तुम्हें मार्गशीर्ष मास के स्नान और व्रत का पुण्य फल दिया था, उसी से तुम्हें मुक्ति मिली है। तब वह ब्राह्मण बालक उसी दिन से मार्गशीर्ष मास का स्नान और व्रत करने लगा और इस जीवन के सभी सुखों को भोग कर मरने पर उसे बैकुंठ का वास मिला। मार्गशीर्ष मास का स्नान और व्रत करने का इतना पुण्य फल मिलता है कि
उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज मैं आपको गाय माता की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक राजा था, उसके पुत्र का नाम शुभंकर था। जब राजा वृद्ध हो गया तो मार्गशीर्ष मास में उसने यज्ञ करवाया और वह यज्ञ में 501 गायें ब्राह्मणों को दान कर रहा था। उस यज्ञ में उस राजा का पुत्र भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। यज्ञ के सभी आयोजनों की जिम्मेदारी राजा के पुत्र ने संभाल रखी थी। तभी कुछ पंडित आपस में बातें कर रहे थे। उन पंडितों की बातें राजा के पुत्र ने सुनी। वे कह रहे थे कि राजा यज्ञ तो करवा रहे हैं, लेकिन 501 गायें जो दान में दे रहे हैं वे सभी गायें बूढ़ी बीमार हैं और दूध न देने वाली हैं। ऐसी गायें दान करने से अच्छा है कि राजा गायें दान ही न करें। हम ऐसी गायें घर ले जाकर क्या करेंगे? ऐसी गायें कितने दिन जीवित रहेगी और न तो दूध देती है और बीमार भी हैं, हम इन्हें क्या खिलाएंगे? जब राजा के पुत्र शुभंकर को पता चला तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसी समय वह महल में आया और माता पिता के पास गया और बोला, माँ पिताजी, क्या आप यज्ञ में जो गायें दान दे रहे हैं वे सभी बीमार बूढ़ी और दूध न देने वाली गायें हैं? पिताजी, आप वो गायें दान में मत दीजिए, उसकी बजाय सुंदर स्वस्थ व दूध देने वाली गायें दान में करें। मैं ऐसी गायें दान में नहीं देने दूंगा। पिता पुत्र में इस बात को लेकर लड़ाई हो गई। वृद्ध राजा ने कहा कि पुत्र, अगर मैं 501 दुधारू गायें दान में दूंगा तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा, पूरा राजकोष खाली हो जाएगा। कल को तुम इस राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में राजा बने हुए तो तुम्हारा राजकोष तुम्हें खाली मिलेगा। तब पुत्र ने कहा कि पिताजी, मेरी भलाई के लिए ही आप यह यज्ञ करवा रहे हैं और उस यज्ञ में बूढ़ी बीमार और दूध न देने वाली गायें दान में दे रहे हैं। ऐसा यज्ञ कभी भी संपूर्ण नहीं होगा और अगर राजकोष खाली होता है तो हो जावे, लेकिन यज्ञ में दूध देने वाली गायें ही दान में दी जाएगी। तब गुस्से में आकर राजा ने अपने पुत्र से कहा कि जा, मैं तुझे भी धर्म राज्य को दान में देता हूँ। उसी समय वह उनका पुत्र महल छोड़ देता है। माँ ने पुत्र को बहुत समझाया, लेकिन पुत्र ने माँ और पिता को प्रणाम किया और महल छोड़ कर चला गया। वन में जाकर वह तपस्या करने लगा और धर्मराज जी की स्तुति करने लगा। 8-10 दिन तक उसने अन्न जल त्याग दिया और घोर तपस्या में लीन हो गया। तभी वहां धर्मराज जी देव विमान लेकर आए और बोले कि पुत्र उठो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। पुत्र, तुम्हारी गो भक्ति देखकर मैं और भी प्रसन्न हूँ। पुत्र, तुम्हें लेने के लिए देव विमान आया है। अब धर्मराज जी उसे अपने साथ देव विमान में बैठा कर ले गए और उसे बैकुंठ का वास दिया। इसलिए अगर गाय दान करें तो चाहे एक ही गाय दान करें, लेकिन स्वस्थ तंदुरुस्त और दूध देने वाली गाय बछड़ा सही दान में देना चाहिए, उसी का फल लगता है।